हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। ये रहा एस बी आई का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रुपे ग्लोबल डेबिट कार्ड। तो आज के इस वीडियो हम इसका करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके बेनिफिट्स फीचर्स के बारे में और जानेंगे इसको अप्लाई कर कैसे करना है, साथ ही साथ जानेंगे इसके चार्जेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह का लिफाफा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एस बी आई की ब्रांडिंग है, क्योंकि ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एस बी आई ने ये डेबिट कार्ड बनाया है। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल का आपको जो है लोगो यहाँ का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखा हुआ देखने को मिलेगा और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। पीछे को देखेंगे तो यहाँ जहाँ से भेजा गया है उसके एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये डिलीवर नहीं होता है तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है। तो चलिए इसको फटाफट से कर देते हैं अनबॉक्सिंग, इसको कर देते हैं ओपन। तो ये हमने ओपन कर दिया। तो ये इस तरह का आपको इसमें कुछ यूज़र गाइड बुकलेट्स वगैरह मिलते हैं। ये आपको जो कार्ड को रखने के लिए पाउच आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना कार्ड को जो है इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ एक पेपर आपको इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको यहाँ पे आपको कार्ड चिपका हुआ मिलेगा। बाकी हम पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल से हम इसको कैसे एक्टिवेट ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं हमारे डेबिट कार्ड को, चाहे एटीएम हो, चाहे ई कॉमर्स हो, पॉइंट ऑफ सेल हो, या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल यूसेज हो, हम रजिस्टर्ड मोबाइल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसको पिन जनरेट कैसे करना है, अभी आर एस के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सारे डिटेल्स यहाँ पर लिखे होते हैं। आइए हम देखते हैं इसका फर्स्ट लुक ये किस तरह से दिख। तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड को यहाँ से निकाल देता हूँ, इसका आपको मैं फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह का आपको ये आपका फर्स्ट लुक आपको इस तरह का देखने को मिलता है इंडियन ऑयल का एस बी आई का जो डेबिट कार्ड है, ग्लोबल रुपे डेबिट कार्ड है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लिखा हुआ, यानी कि ये इंटरनेशनल रुपए का डेबिट कार्ड है। और यहाँ पे आपको जो है एनएफसी का सिंबल आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप रुपीज़ 5000 तक आप जो है बिना किसी पिन के, मतलब कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रीमियम लुक दिख रहा है ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एस बी आई का रुपे डेबिट कार्ड है। पीछे की ओर देखेंगे आपको जो है इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ये जो कार्ड है यहाँ आपको रुपे का जो 3D लोगो है आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पल्स लिखा हुआ है, डेनर्स क्लब यहाँ लिखा हुआ है, और ये डिस्कवर लिखा हुआ है। यहाँ आपको CV भी देखने को मिलता है। तो बहुत ही प्रीमियम ये कार्ड है, लुक बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे इस कार्ड के कुछ फीचर की। तो डेली कैश विड्रॉल की लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम जो है 100 रुपया एक दिन आप निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम है 40,000 तक का एक दिन में कैश विड्रॉल आप ATM से कर सकते हैं। बाकी आप पॉइंट ऑफ सेल यानी कि कहीं पे भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, कार्ड स्वाइप करके आप करते हैं, तो इसमें जो है मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम जो है 75,000 रुपये का आप एक दिन में पॉइंट ऑफ सेल या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी इशू करने का चार्ज, इसको आपको कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। बाकी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि इसका एनुअल चार्ज आपको जो है 125 रुपीज़ प्लस GST आपको इसके लिए देना पड़ेगा। और अगर आपका कोई कार्ड अगर ख़राब हो जाता है, कुछ हो गया, मिसप्लेस हो गया या डैमेज हो गया या ख़राब हो गया, तो इसमें आपको जो है कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस जो है आपको ₹300 प्लस आपको GST यहाँ इसके लिए चार्ज पे करना होगा। बाकी इस कार्ड की फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें रिवार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये इंडियन ऑयल का ये को ब्रांडेड डेबिट कार्ड है, तो आप इंडियन ऑयल के किसी भी पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल डलवाते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, चाहे पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे, तो आपको यहाँ आपको जो है 6 रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आप 200 स्पेंड कीजिएगा तो आपको जो है 6 रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे जो है 1.5% का आपको रिवार्ड रेट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें अदर पेशमेंट करेंगे, अदर की स्पेंड की बात करें तो आप जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे आप फ्यूलिंग को छोड़ के कहीं और अदर पेशमेंट करते हैं, चाहे ऑनलाइन स्पेंड कीजिए या ऑफलाइन स्पेंड कीजिए, कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस करते हैं, वहाँ भी आपको नॉर्मल रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलता है। अदर पे 0.25% का आपको रिवार्ड रेट देखने को मिलता है, यानी कि आपको जो है 200 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। बाकी इस कार्ड को अप्लाई करने की बात करूँ तो ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना रखा है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आप वहाँ जो कार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है इंडियन ऑयल का ग्लोबल रुपे
डेबिट कार्ड आपको वहाँ सेलेक्ट करना है, तभी आपको जो है इसको आप अप्लाई कर पाते हैं। तो इस कार्ड के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो SBI के इंटरनेट बैंकिंग से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, योनो के थ्रू आपको यहाँ से ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ध्यान रहे आप इस कार्ड के लिए SBI के इंटरनेट बैंकिंग से ही लॉगिन करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।